एक इंसान का बच्चा अपनी माँ से बहुत कुछ सीखता है। जो काम माँ करती है वैसा वैसा काम इंसान का बच्चा भी करता है, और आस्ता आस्ता जैसे माँ बोलती है वैसे बोलना भी सीख जाता है। इसी अंदाज से दुनिया में कुछ ऐसे जानवर मौजूद हैं जो सीखने की सलाहियत रखते हैं। इनमें से कुछ जानवरों का जिक्र इस वीडियो में मैं आपके साथ करूँगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर 5 के ऊपर जो जानवर यहाँ पे आएगा उसका नाम कुत्ता है। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो दूसरों की नकल करना या कोई काम को सीखना सीखने की सलाहियत रखता है। यकीनन आपने कहीं ना कहीं ये मंजर देखा भी होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि 5वें नंबर पे अगर कुत्ता है तो इससे पहले यानी इससे भी ज्यादा सीखने वाले जानवर कौन से हैं? नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुत्ते की ज़हानत कैसी है। नाज़रीन इकराम, इंसान का सबसे बेहतरीन साथी कुत्ता है। एक औसत कुत्ता तकरीबन 2 साल के बच्चे की जहानत के बराबर होता है। इनमें खुशबू, ताकत की हिफाजत, इंसानी दुनिया में सीखने की सलाहियत का एक बेहतरीन एहसास है। नाज़रीन इकराम, कुत्ते की ज़हीन आदात कौन सी हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता जाता हूँ। इंसानों की दुनिया के बारे में कुत्ते दूसरे जानवरों से बेहतर समझते हैं, और इसके अलावा आसपास से तेज सीखने की काबिलियत है। नाज़रीन इकराम, ये जिस घर में रहता है इसको दूर दराज इलाकों से ढूंढ निकालता है, यानी दूर दराज इलाकों से वापस अपनी मंजिल पर पहुंचना इसको ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। नाज़रीन इकराम, इनका दिमाग 10 लाख किस्म की खुशबू की शिनाख्त कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसके अलावा ये एक मालक के हुक्म को समझता है, यानी मालक क्या कह रहा है इसकी बात को समझता है। और इसके अलावा अपने मालक की हिफाजत करना और मालक की बात को समझना और इसके हुक्म की तमीज शामिल है। नंबर 4 के ऊपर जो जानवर आता है इसको वहील कहते हैं। वहील मछली, यानी समंदर की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। जिस अंदाज से ये बड़ा जानवर है उसी अंदाज से ये बड़ी सोच रखने वाला भी जानवर है। कई वहील प्रजातियों में ज्यादा डॉल्फिन की तरह हैं, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होने की वजह से व्हील को तरबियत देना मुश्किल काम है। व्हील एक इसी अंदाज से ज़हीन जानवर है, और ये एक दूसरे से बात करने के लिए मखसूस किस्म की टोन निकालती है, जिसकी मदद से ये एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और इंसान की तकरीर, इंसान की आवाज को ये समझती है। कुछ व्हील की कुछ अकसाम ऐसी हैं जो छोटी हैं, जिनको समझाना या उसको तरबियत देना आसान है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी व्हील मछली हैं, उनको तरबियत देना बहुत मुश्किल है। व्हील ज्यादातर ग्रुपों में रहती है और एक दूसरे के साथ अपना काम, अपना शिकार शेयर भी कर लेती है। नाज़रीन इकराम, जमीन के ऊपर 3रे नंबर के ऊपर जो ज़हीन तरीन जानवर आता है उसको हाथी कहते हैं। हाथियों का दिमाग जमीन के दीगर जानवरों से कहीं ज्यादा होता है। हाथी इंतहाई माशरती और ज़हीन रवैये का मुजाहरा करते हैं। हाथी इंसानों के वफादार साथियों में से एक है। यकीनन आपने एक गाना सुना होगा, हाथी मेरे साथी, क्योंकि ये इंसानों का एक दोस्त है। इसी बना के ऊपर इस फिल्म या इस गाने को बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, इसकी जहानत आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। इंतहाई समाजी जानवर है, आसपास से आसानी से सीख सकते हैं। हाथी सैकड़ों इंफरादी आवाजों को पहचान सकते। इसके अलावा हाथी खुशी, चंचल और गम जैसे बहुत से जज्बात दिखाते हैं। आवाज के एक वसी रेंज की नकल कर सकते हैं। मुख्तलिफ टूल्स खाना तलाश करने के लिए इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अपने जिस्म को खाना तलाश करने के लिए मुख्तलिफ जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो जानवर रहता है उसको हम डॉल्फिन कहते हैं। डॉल्फिन एक ज़हीन तरीन मछली है, दुनिया का ज़हीन तरीन जानवर है। इंसान दुनिया के मुख्तलिफ बहरों में रह जाने वाले बहुत से असरार डॉल्फिन की जहानत का इस्तेमाल करता है। डॉल्फिन दिमाग इसके जिस्मानी साइज के लिहाज से बड़ा होता है। दुनिया में तकरीबन 3रे नंबर पर ज़हीन तरीन जो जानदार है उसको डॉल्फिन कहते हैं। नाज़रीन इकराम, 3रे नंबर पर इसलिए कि पहले नंबर पर इंसान है, लेकिन मैं सिर्फ आज आपके साथ जानवरों के मतलब बात कर रहा हूँ। इर्द गिर्द की चीजों को देखते हुए
हुए ये आसानी से सीखने की सलाहियत रखते हैं। डॉल्फिन जब आराम कर रही होती है तो दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा सोता है और दूसरा खतरात को आगाह करने में मदद करता है। डॉल्फिन वाहद समुद्री जानवर है जो आईने के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। समंदर के दूसरी मछली या जानवर को अगर आप शीशा रखते हैं तो वो महसूस करता है कि जैसे कोई दूसरा है, लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा जहीन जानदार है जो इस चीज को समझ जाता है। नंबर एक, दुनिया में दूसरे नंबर पर जहीन तरीन और जानवरों की नस्लों में से नंबर एक के ऊपर जो जानवर आता है उसका नाम ग्रेट एपी है, यानी अजीम बंदर। साइंस की नजरियात के मुताबिक इंसान बंदर से बना, लेकिन इसमें कोई हकीकत शामिल नहीं है। नाजरीन ग्राम, बंदर इंसानों के रवैयों को बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं। ये आसपास से सीखने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा रखते हैं और बहुत सारी चीजें जो घरेलू चीजें हैं उसको भी इस्तेमाल करना समझ सकते हैं और खाना तलाश करने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बंदर इंसान के हुक्म को बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकते हैं, यहाँ तक के इंसान की जुबान को भी सीखने की सलाहियत रख सकते हैं। इसके अलावा बंदर कोई ना कोई आधार का इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा भी करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, आप यकीनन इस वीडियो से मुतासर हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल बर्ड्स एंड एनिमल्स को सब्सक्राइब करें। इसके साथ मुस्तफ़ा मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।